तो गाइज अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। hey guys, आज का डेली व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और ये सुबह सुबह एली की हरकतें देखो, आज बहुत ज्यादा परेशान किया इसने। हाँ क्या हुआ? आपको देख के मेरे को भी खांसी आना शुरू हो जाती है। बोलो नो जी जी तेरी माँ का तो सारा दिन चप्पलें ले लेके सबकी भागती रहती है। ये देखो तो चप्पल के अलावा कोई काम नहीं है। हाँ बोलो। हाँ उठा। तो आज है येसु का बर्थडे सेलिब्रेशन। बर्थडे तो खैर फ्राइडे को था, है ना? फ्राइडे को था ना, जुमेरात को था। तो आज जोया ने जो है वो सेलिब्रेशन रखी है, तो शाम में वहाँ जाएंगे और एली को आज घर पे अकेला छोड़ना पड़ेगा, है ना? एली अकेले रह जाओगे? एली 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 इधर देखो, देखो पुछड़ी है, पुछड़ी नाजू की पुछड़ी। सारा दिन बस नाजू के पास ही घुसना होता है इसका। आज इसे मॉर्निंग में बहुत ज्यादा परेशान किया है, बहुत ज्यादा नाजू को बहुत ज्यादा परेशान किया है। सुबह को 7:30 बजे उठा दिया इसने। और क्या छुट्टी वाले दिन भी, मतलब संडे को भी ये हाल है भाई। और फिर उस बिचारी ने जो है इसको निकाला, खाना वाना दिया। खाना दिया था सुबह को 7:30 बजे दिया था। हाँ तो खाना वाना दिया और फिर उसको उसी रूम में छोड़ दिया, है ना? यार असल में मेरे साथ मसला पता है क्या है कि मेरी एक बार आंख खुल जाती है ना, फिर मुझे नींद नहीं आती है। और ये इसकी जितनी बार भी आंख खुलेगी लेकिन ये आके फौरन सो जाती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो अच्छा मुझे ये, मतलब ड्यूटी से आया। क्या आता है? नाइट ड्यूटी से आया। नाइट ड्यूटी से हॉस्पिटल की? क्यों जितनी बार उठाते थे। तो अच्छा है ना, ये एक पॉजिटिव चीज है यार। लेकिन बाद में नींद नहीं आई ना। क्यों नहीं आई? चलो आपको वैलेंटाइन गिफ्ट। थैंक यू। ये वही चीज मुझे दोबारा दे रही है वापस वैलेंटाइन के ऊपर, और मैं भी इसको दोबारा दूंगा। वो जो मैंने दिए थे वो मुझे वापस करो तो मैं आपको दूं। पता नहीं कहाँ है, कितने का आया ना। ये दो गिफ्ट हो गए आपके। वो कितने का है पता है? अच्छा अभी अभी कितने पैसे की बात की? अच्छा मैं तो जैसे लाखों रुपए छाप रहा हूँ ना। हाँ आएगा ऐसा टाइम भी आएगा जब लाखों रुपए छापेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त नहीं छाप रहे। एली सारा दिन क्या खाती रहती है? क्या चीज है ये नया पे? ये मैंने दिखा दिया था ब्लॉग में कि नया पे क्या चीज है, और ये बहुत काम की चीज है भाई। हाँ फेंक दो। वैसे फेंकना ऐसे नहीं, इसमें डिटेल्स लिखी होंगी। एक काम करो ड्रॉ में रख दो अभी। वॉशरूम वगैरह करने के लिए। अरे जब हमें पेपर्स नहीं मिल रहे होते ना एडी के लिए, तो हम लोग यही करते हैं कि ड्रॉ में से कोई भी ऐसी फजूल चीजें निकाल के और उसी पे इसकी पिशू इशू करवा लेते हैं, है ना एली? गंदू और गंदू। ये तो पुछड़ी है भाई, पुछड़ी नाजू की। जा रही है, जा रही है, पकड़ो जाके। तो बस यही सब चल रहा था। सुबह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, डैडी आदमी से चना पराठा वगैरह लेकर आए थे। और आज बहुत काम है क्योंकि अभी मैं मास्क वगैरह भी लगाना है, तो अभी नाजू जाएगी नीचे और मास्क लेकर आएगी। नाजू जाएगी? नाजू पता नहीं क्या चीज है, सुबह से बाल नहीं बनाए। ये हमारे घर का ना छोटा पठान है। मैं अपने घर का थी। ओके ये हमारे घर का भी छोटा नहीं, मैं अपने घर का थी, बस खत्म। ये देख लो, ये देख लो, पता नहीं जब मैं ऐसा ट्राउजर पहनती हूं। ये हमारे घर की छोटी पटानी है। ये जब मैं ऐसा ट्राउजर पहनती हूं इसके पीछे पड़ जाती है, और मैं पहनना ही छोड़ दूंगी अब। खांसी बहुत ज्यादा हो गई है, खांसी तो जाने का नाम ही नहीं लेती है। बच्चों के साथ बाहर जाके तो उसके लिए बच्ची ही है छोटी। तुमसे मिल के अरमां हुए पूरी। ये क्या करती है पता है? ये ना नाजू को फॉलो करती है और फिर देखती है ना, जैसे ही नाजू देखने वाली है तो ये फौरन कोई ना कोई काम में लग जाएगी ताकि उसको लगे ही नहीं कि वो उसे फॉलो कर रही है। ये देखो बहुत ज्यादा वायरल नहीं। चूजी मेरी, चूजी मेरी, चूजी मेरी, चूजी। तो चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। कहाँ ले जा रहे हो बेटा, कहाँ ले जा रहे हो, घर ले जाना है? तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और मुझे पता है कि ब्लॉग करने में हम लोग बहुत ज्यादा सुस्त हो रहे हैं आजकल, ब्लॉग ज्यादा कर नहीं पा रहे। तो ये देखो क्योंकि ले, हाँ इसके पास टाइम कहाँ होता है, ये मैडम बिजनेस गर्ल वाली है ना, बिजनेस मैन नहीं बोल सकते, बिजनेस गर्ल इंशाल्लाह। तो मैंने भी अपने हेयर बना लिए हैं। इसके अलावा एली को देखो बिचारी को कैसे बहुत ज्यादा मायूस हो गई है यार, इसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। हाँ यार एली के बाल भी स्ट्रेट कर दे, गुंगरालू गुंगरालू हो रहे हैं।
कॉल कॉल कर देती हूँ, वो भी है। एली चुच्चू आ जाओ। आज बेचारी बहुत मायूस हो रही है, उसके साथ खेलने वाला असल मैच कोई नहीं है ना, सब अपने कामों में लगे हुए हैं, और ये बेचारी बार बार जाके सो जाती है। क्यों कुछ भी बनी डांटती है। हाँ वैसे माय लाइफलाइन की तो ये पुछड़ी है, पुछड़ी और डांट दिया मैंने। क्यों डांटा? क्या मुझे काम नहीं करने दे रही थी। बाबा बस जाके लेट जाती है बेचारी। तो बस यही व्लॉग कंटिन्यू करेंगे हम वहाँ पे भी, ठीक है, बर्थडे पार्टी में भी। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे व्लॉग को। क्या मैं ये कपड़े पहन रही हूँ? हाँ ये वाले कपड़े पहन रही है। और मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये लो उसी पे बैठ गई है मेरे, ये रहे। अभी आपको सही दिखेंगे नहीं, जब पहनूंगा तो पता चलेगा। चलो अभी तो सब यही सब चल रहा है तैयार व्यार होने का, फिर उसके बाद मिलते हैं तैयार हो। मेरे बाल स्ट्रेट कर देते हो? क्यों यार ये कंबल जल जाएगा। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं, ठीक है, जाने के लिए। और माय लाइफलाइन भी बस थोड़ा सा बाकी है उसका, वो भी टॉप्स वगैरह पहन रही है, तो वो भी बस अभी रेडी होने वाली है। और देखते हैं बाकियों को। बाहर का ही शर्ट मतलब बाहर रखने वाले, लेकिन कोट नहीं पहन रहे। क्यों कोट वैसे ज्यादा अच्छा लगे? आप तैयार नहीं हुए? तैयार नहीं हुए? अभी बस बना रहे, बस बना रहा हूँ, बना रहा हूँ खाना। एली खाने में क्या खाना है, डॉग फूड या राइस है, क्या खाना है? उसका तो पता नहीं इसको क्या खाना है, लेकिन हमें जो देना है वो हम दे देते हैं इसको। खाने का बाउल क्या है आपका? हाँ हाँ तो बस जल्दी जल्दी के चक्कर में ना। नाजू उसका खाने का बाउल क्या है? पीछे किधर? अच्छा तो वो चलो उसको खाना दे के फिर मिलता हूँ। सो गाइस तो फाइनली रेडी हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर रेडी। और वो माय लाइफलाइन भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मॉम डैड नीचे जा चुके हैं, फालतू में वो पहले गुस्सा करें इससे पहले अपन नीचे उतर जाते हैं। तो चलो जल्दी से कैमरा रखता हूँ और फिर उसके बाद वहीं मिलते हैं या फिर गाड़ी में मिलते हैं, ठीक है। फाइनली पहुंच चुके हैं चारकोल रेस्टोरेंट, और वो हमारे तरफ पीछे की तरफ है। यहाँ पे अंधेरा बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो अंदर चलते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चारकोल रेस्टोरेंट, जहाँ पे जो है रखा है, जहाँ पे और दोया भी आई है, और दोया भी आई है, मम्मा भी आ गई है और डैडी भी आ गए और चारकोल रेस्टोरेंट भी आ गया। हाँ अभी अंदर जाके देखते हैं कि इन्होंने कैसा सेलिब्रेशन रखा है, कैसा डेकोरेशन है, सब अंदर जाके देखते हैं, ठीक है। ठीक है यहाँ पे लाइटिंग बहुत कम है। क्या यहाँ पे लाइटिंग बहुत कम होती है सर? लेकिन मतलब सजाया हुआ कहाँ पे है? ये भी दे देना केक, ये लोग रख देंगे ना। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अच्छा है। यहाँ पे असल में इन रेस्टोरेंट्स में यही है कि यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम होती है। यहाँ कैंडल लाइट और, लेकिन वो क्यों इतनी ज़्यादा लाइटिंग है, फेरी लाइट वगैरह। हाँ डेकोरेशन करवाया होगा ना उस हिसाब से। नहीं मैंने जोया को बोला था कि दो दरिया वाले रेस्टोरेंट्स के अंदर लाइटिंग बहुत कम होती है। क्यों आपने करवाया था किसी के लिए? मेरे लिए तो नहीं करवाया था। अरे तो आए नहीं है क्या कभी खाना खाने के लिए? खाना खाने तो आए हैं, लेकिन फिर भी खाना खाने के टाइम पे भी तो लाइटिंग कम होती है ना। मुझे पता था लाइटिंग कम होगी। यार ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, बस समझ लो इसी के पैसे हैं यहाँ पे। हाँ कितना प्यारा लग रहा है ना व्यू। ये लोग खाना डालते होंगे तो आती होगी ना यहाँ पे, या ये इन्होंने ही डाली हुई होगी? पता नहीं इन्होंने ही डाली हुई है शायद। दो दरिया वाले का लुक कहना है। हाँ ये बात तो है। इधर किसकी पार्टी में आई है? किसकी पार्टी में? उसको डक्स दिखा। वो तो देख प्यारी गर्मियों में नहीं होते, सर्दियों में नजर आ रहे हैं। ये रेस्टोरेंट वाले खुद डालते हैं या आती हैं? अच्छा मेरे से शायद खाना वगैरह शायद इनको डालते होंगे। कुछ ना कुछ गिरा हुआ मिलता है ना ऊपर से, जो भी खाते पीते रोटी के टुकड़े डाल देते टुकड़े पे होते हैं। खाना तो ये मछली नहीं सखाएगी, उसको रोटी वोटी में मिलती है ना वो भी खा जाते हैं। लेकिन यही है ना यहाँ का सबसे अच्छी चीज यही है। फूड कैसे रही है, फ्लाई कैसे कर रही है?
हॉस्टल सही है छोड़ के आया हूँ उसको भी खुला वो देख रही थी गेट के बाहर मुझे मैं भी रूम में ही छोड़ के आया मैं उसको पूरा घर पे छोड़ के आया बस रूम बंद कर दिया सिटिंग रूम और मम्मा लोग का रूम बाकी मेरा रूम खुला है और हॉल खुला है अच्छा मैं सिटिंग में छोड़ के आया उसको बंद करके लाइटें खुली हुई है ना हाँ देख रही थी मेरे को बाहर वो भी कि कहाँ जा रहा है अब सोई नहीं है सही से देख रही थी सब तैयार हो रहे हैं पता चल गया था जब से तैयार हो मम्मा बता रही है उसको हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमने कोई एक रूम में बंद कर दिया था पूरा दिन तो वो तंग कर रही थी असल में ना आज तो ये भी तंग कर रही है खेलना खेलना इसीलिए फिर उसको एक जगह बंद कर दिया था और फिर उसके बाद ये मतलब मैं उसको वैक्सीनेशन लगाने भी नहीं गया टाइम हो गया मेरा तो मैक्स वन है लेकिन वैक्सीन टाइम पर लगवा यही ना वैक्सीन टाइम पर ज़रूरी है देखा देख कितना आ रहा है आ जाओ कैंडल जलाई नहीं कैंडल तो जलाओ कैंडल जलाने के लिए बुलाया उसको कैंडल अच्छा अच्छा चलो हमारा फरमा दिया था बेबी बन और हम लोग को तंग कम कर नानी माँ क्या देती है बच्चे ये लो थैंक यू बोलो थैंक यू जाएगी नहीं वो जगह नहीं है ढूंढ लेते हैं वो छोड़ दो एक मिनट आ जाओ आप लाइट जलाओ ना नीचे योगी टेबल के नीचे होगी ढूंढ लेते हैं एक मिनट गुड़िया जाएगी नीचे ढूंढ के आप लोग हट जाओ सब हट जाओ सब हट जाओ कहाँ पे मिल गई जेब इसमें तेरे जेब में डाल दो सेंस तो अभी आ जाओ सब एक एक करके दादू दादू के वाले निकालते ना अपन अंदर से निकाल लो फाउंटेन लेना सुखी सलामत आबाद रखे माँ बाप ने सबकी खिदमत करेगी नानू का है नानू क्या देते हैं कशिश को दे दे कशिश उतार लेगी कशिश क्या करूँ उतार ले सिखाएंगे ना तुम तो बस ये पकड़ के ये क्या किया आप ही को भी लगा
मुझे और नहीं पता कितना कर चुके हो यार। चल बाजी इस डब्बे के अंदर कैसे फिट हो जाएगी? इसके अंदर तो फिट हो जाओगी। भाई खाना वगैरह सब खा चुके हैं, अंधेरा इतना, तो इसलिए वीडियो बनाई नहीं आगे, खाने की भी नहीं बनाई। खाने को देख के भूख इतनी लगी हुई थी तो पहले खा लिया, मेरे पेट पूजा करी लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इसमें दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और GoPro का रिजल्ट तो सुबह अल्लाह अंधेरे में है ना। कैंडल लाइट डिनर का मजा है बेबी। हाँ ये बात तो, ये वैसे बनाया इसीलिए तो मारूंगी। अरे तो हाँ यहाँ पे लाइट है, इधर लाइट है, इधर लाइट है, तो हमने खाना वगैरह खा लिया, अब शायद दिख रहे होंगे आप लोग। खाने में था पेट पूजा कर, खाने में था मटन कढ़ाई, इसके अलावा हांडी, इसके अलावा बारबेक्यू वगैरह ये सब। चलो अभी जा रहे हैं वॉशरूम खाने के बाद। साथ नहीं जा रहे अलग अलग, ये जाएगी मैं बाहर वेट करूंगा इसका। चलो गाइस तो बर्थडे वगैरह तो एंड हो गया, बस अभी घर की तरफ निकलना है, तो घर पे मिलते हैं। अभी आधा घंटा गुजर चुका है और यहाँ पे सोयल अंकल की गाड़ी खराब हो गई। लेकिन जो नजर नहीं आ रही, अंधेरा बहुत है यहाँ पे, रोशनी इधर आएगी। हाँ अब आ रही होगी रोशनी, इसका वो डायरेक्ट एक अलग से एक वायर भी इस पर लगता है ना, स्टार्ट वाला टेढ़े पर नहीं, आपकी के पास था सर, आपने ले लिया था मेरे हाथ से। हाँ ले ली, फोन दिया मेरे हाथ से, तो एंजॉय क्या एंजॉय एंजॉय नहीं कर रही है, कद्दू एंजॉय कर रही है। हाँ ये बात है, कोई बात नहीं पहुँच जाएंगे। हम कहीं भी जाते हैं हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है कि किसी ना किसी की गाड़ी खराब जरूर होती है। हाँ ये बात है। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, आप लोग देख रहे हो हमारा हुलिया कैसा हो चुका है, अब बस थक गए, गाड़ी खराब बहुत मुश्किल से। वहाँ से हम लोग 11 बजे तक निकल गए थे, वहाँ से हम लोग 11 बजे तक निकल गए थे, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते आप टाइम देख सकते हो क्या हो रहा है, एक और बस सुबह ऑफिस जाना है, सोना भी है बहुत वो है। और बेचारी एली हमारी रात तक इसके लिए जल्दी जल्दी खाना बना रहा है, और एली बेचारी अकेले अकेले घूम घूम के परेशान हो गई है। हमें बस एक ही टेंशन थी कि पता नहीं एली का क्या हुआ होगा, क्या उसने धमाल मचाई होगी अकेले घर में, लेकिन बिल्कुल ठीक थी एली। लेकिन बस जैसे ही हम लोग आए ना घर में, वो फौरन कह रही थी बस जल्दी निकालो मुझे, निकाला तो फटाफट आके प्यार करना शुरू। और आप एली को देख सकते हो, ये कहाँ गई एली, ये रही चूजी। चलो गाइस उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के अंदर, मुझे बोलने के लिए बाय।